छत्तीसगढ़ के सौंफ गरीब क्षेत्र से लगे हुए ओडिशा नवरंगनपुर की सीमा पर सुरक्षा बल के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ एनकाउंटर में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाथीगांव रिजर्व फॉरेस्ट में एएसओजी की टीम घने जंगल इलाके में सर्चिंग कर रही थी, तभी अचानक नक्सलियों के एक समूह ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर एसओजी कमांडो ने तुरंत अपनी जान बचाते हुए नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन नक्सलियों ने एसओजी टीम पर गोलीबारी जारी रखी, जिस पर जवाबी कार्रवाई में एसओजी कमांडो ने आत्मरक्षा हेतु गोलीबारी शुरू की और इस गोलीबारी के दौरान एक नक्सली ढेर हो गया। इसके तहत घटनास्थल से तलाशी के दौरान हथियार और दैनिक सामग्री जब्त की गई है। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। सत्य बड़े माओइस्ट मानकर गोटे ग्रुप से मानकर ऊपर हठात हैवी और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर ले। हमार टीम इमीडिएटली गोटे सेल्टर मतलब निजे को कवर देवाई निजे निजर पोजिशन ने और से भी निजर परिचय दे से सरेंडर करने कहले। बट माओइस्ट मैंने जो अंधाधुंध फायरिंग से मैंने कंटिन्यूसली जारी रखिले, तापे किसी उपाय ना पाई आमार टीम निजर सेल्फ डिफेन्स कंट्रोल्ड फायर ओपन करले और से मानकर भीतर जिते बड़े एक्सचेंज ऑफ फायर हैला, तो सही एक्सचेंज ऑफ फायर भीतर माओइस्ट माने से स्थान रू डेंस फॉरेस्ट और हिली टेरेन रो फायदा नहीं कि से माने सिटी सु एस्केप करिगले। तापर जिते बड़े फायरिंग बंद हो गला आमार टीम सेटी पूरा प्रॉपरली और सेफ्टी मेजर्स नहीं के सेटी सर्च स्टार्ट करले, तो ड्यूरिंग सर्च आमार टीम सेठी गोटे मृत मेल माओवादी डेड बॉडी रिकवर करले।